सभी लोग एक्टिव है, डोडा अभी हाई अलर्ट पे है। जी हाँ, आप लोग जो है सर्च ऑपरेशन जारी है, अभी बारिश जो है पड़ रही है और आग भी लगाई गई है यहाँ पर कि ताकि अगर कोई यहाँ पर अंदर इसमें होगा तो कोई मिलिटेंट वगैरह या कोई भी सस्पेक्ट जो होगा जिसकी बारे में जो बात की गई थी। तो आप देख सकते हैं कि अभी आग भी लगाई गई है, धुआं जो है उठ रहा है इस एरिया में। कहीं ना कहीं जहाँ भी शक है वहाँ पर आर्मी पुलिस यहाँ पर बिल्कुल कंटिन्यू जो है काम करने के लिए जो सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू जारी है। कोई भी जानकारी जो है मिलती है तो आप TLR न्यूज़ के साथ जुड़े रहे, हम TLR न्यूज़ पर जो है आपको जानकारी। क्या आपने लेना है होंडा का नया टू व्हीलर? क्या आपके पास है होंडा का टू व्हीलर? क्या आपको जाना पड़ता था आज तक अपने घर से सर्विस करवाने दूर? पर अब आपके भद्रवाह में है होंडा का सर्विस शोरूम। आपको कहीं दूर नहीं, आपके भद्रवाह के ईदगाह रोड सेरी बाजार में है होंडा का ऑथराइज त्रिदेव ऑटोमोबाइल्स सर्विस सेंटर, आउटलेट रेजेंसी होंडा और शोरूम। आज ही कांटेक्ट करें दिए गए नंबर्स। सत श्री अकाल, मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप देख रहे हैं TLR न्यूज़। अभी आप देख सकते हैं कि ये प्रमाज एरिया का एरिया है, पूरा का पूरा लोअर प्रमाज जो है इसे कहा जाता है। ये देख सकते हैं कि आर्मी के जवान जो है वो सर्च ऑपरेशन अभी करते हुए आपको विजुअल्स में दिख रहे हैं। देख सकते हैं कि झाड़ियों में जो है आर्मी जाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा, अंदेशा है कि यहाँ पर दो सस्पेक्ट जो है सुबह के टाइम देखेंगे 10 बजे के बाद यहाँ पर पूरा का पूरा एरिया जो है कॉर्डन ऑफ किया गया है और शक के आधार पर यानी कि सस्पेक्ट के आधार पर यहाँ पर आर्मी पुलिस लगातार गश्त बनाए हुए है। यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जारी है, कंटिन्यू जो है सर्च ऑपरेशन यहाँ पर हो रहा है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जितने भी आर्मी के जवान आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं ये सभी यहाँ पर एक्टिव है, पुलिस यहाँ पर एक्टिव है। चाहे वो हम अगर DSP ऑपरेशन DSP की बात करें, SSP की बात, SP की बात करें, सभी लोग एक्टिव है। डोडा अभी हाई अलर्ट पे है। जी हाँ, आपको बताएं कि डोडा के अंदर सस्पेक्ट देखे गए हैं, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं पुलिस भी एक्टिव हो चुकी है और आर्मी भी एक्टिव हो चुकी हैं। सारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो कहीं ना कहीं एक्टिव हो गई है। देखिए किस तरीके से पूरे एरिया में आप देख सकते हैं कि झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है, पूरे का पूरे एरिया में झाड़ियों की वजह से। यहाँ पे पुराना एक रास्ता था जो पुलडोड़ा की ओर जो है जाता है, तो कहीं ना कहीं सस्पेक्ट जो देखा गया था यहीं पे देखे गए थे, दो सस्पेक्ट देखे गए थे। यहाँ के अवामी लोगों ने जो है वो पुलिस को जो है बताया और पुलिस यहाँ पर आई, आर्मी यहाँ पर है। अभी सर्च ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है कंटिन्यू, झाड़ियों में भी जो है ढूंढा जा रहा है कि कोई भी यहाँ पर ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो हम आप तक जो है पहुँचाएँगे। अभी मैं आपको बताऊँ कि अभी
कुछ भी क्लियर क्लियर कहना सही नहीं होगा, और ना ही कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन और ना ही कोई पुलिस यहाँ पर बात करी, पुलिस का अधिकारी बात कर रहे हैं, ना ही आर्मी की तरफ से यहाँ पर कोई बात कर रहे हैं। लेकिन इन्फॉर्मेशन यही है कि सस्पेक्ट है और मूवमेंट उसके कारण यहाँ पर चल रही है। पूरे डोडा जो है हाई अलर्ट पे है, वैसे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी है, लेकिन डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है कहीं ना कहीं जिस तरीके से दो इंसिडेंट हुए, चाहे वो भद्रवाह में और उसके बाद गुंदो एरिया में जो हुआ, उसके बाद अभी सिटी के एरिया में भी हाई अलर्ट जारी है। और ऐसे अंदेशा लगाया जा रहा है कि यहाँ पर भी कुछ लोग हो सकते हैं, जो लोग खुराक में हो, जो यहाँ की पीसफुल इन्वायरमेंट को, आप जानते हैं कि डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2006-2008 के बाद मिलिटेंसी फ्री एरिया जो है इसे कर दिया गया था, लेकिन अब इन इंसिडेंट के बाद लोग घबरा रहे हैं, लोगों के अंदर डर है कि वो दौर वापस ना आ जाए, वो 90s का दौर वापस ना जाए, वो मिलिटेंसी का दौर वापस ना जाए। लेकिन फिर भी यहाँ के लोग, मैं आपको बताऊँ कि यहाँ के लोग बहादुर हैं, यहाँ के लोगों ने 90s के टाइम पर भी घर अलग अलग होने के कारण, दूर दूर होने के कारण, इकट्ठे एक जगह पर गाँव नहीं था, फिर भी वो लोग अपनी बहादुरी दिखाई उन्होंने, वो फिर भी यहाँ पर खड़े रहे, यहाँ से प्लान नहीं किया, यहाँ से माइग्रेशन नहीं की। यहाँ के लोग बहादुर हैं और इस बार भी जो मिलकर कहीं ना कहीं हम सब ने इन्फॉर्मेशन जो है वो निकालनी है उन लोगों की, जो लोग घुसपैठ जो है न, किया है, जिन्होंने हमारे एरियाज़ के अंदर, हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उनको कहीं ना कहीं लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। और कहीं भी आपको ऐसा लगता है, सस्पेक्ट लगता है, और कहीं ना कहीं आज ऐसा भी है कि जहां पर रस्सी देखे तो उसे जो है सांप समझते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी है, लेकिन लोगों को इन्फॉर्मेशन देती रहनी चाहिए। कोई भी सस्पेक्ट लगता है, बाहर का लगता है, तो आपको पुलिस को बताना चाहिए, क्योंकि अभी यही टाइम है जब हमको साथ में मिलकर एक बार फिर से ये जो कुछ चंद लोग यहाँ पर घुसे हैं, इनको मात गिराना, इनकी सोच को और इनके साथ साथ में इनकी मेंटेलिटी जो है लोगों को मारने की, सिलेक्टिव किलिंग्स की, जो इनका मकसद है पीसफुल इन्वायरमेंट। अगर डोडा की बात करें तो सिटी ऑफ पीस जिसे कहा जाता है, जो इतने लंबे समय से जो है सिटी के अंदर अमन था, उस अमन को ख़राब करने की कोशिश करने वालों को कहीं ना कहीं आर्मी भी नहीं छोड़ेगी और पुलिस भी नहीं छोड़ेगी। ये देख सकते हैं कि इस तरीके से नौजवान जो है हाथों में हथियार लेकर, यह हथियार उनका खून मांग रहे हैं, लेकिन वो हत्थे चढ़ेंगे तब, क्योंकि आर्मी के हत्थे जब चढ़ते हैं तो आपने रील्स देखी होगी कि किस तरीके से जो है वो दिखाई जाती है, और वो रील्स उन तक पहुंचाई जानी चाहिए जो लोग ऐसी मानसिकता रखते हैं और इस तरीके से जो है पीस को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो भैया, अगर तुम हमारी वीडियोज़ तो नहीं देख रहे होंगे, और देख रहे होंगे तो आपको यही कहना चाहूँगा, ये काम छोड़ दीजिए, इस काम में कुछ नहीं रखा, गोलियाँ ही मिलनी आपको, और गोलियों के बाद लानतें ही मिलनी है आपको, क्योंकि जितने भी मिलिटेंट हैं उनको, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई उनके लिए जगह है और उनकी सोच के लिए कोई जगह है। तो कहीं ना कहीं पीस इन्वायरमेंट है, इसे ख़राब ना करो। हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारा डोडा आगे बढ़ रहा है, तो इसे प्लीज़ आगे बढ़ने दो। और कहीं ना कहीं ऐसी झाड़ियाँ जो हैं आप देख पा रहे हैं, ये झाड़ियाँ जो है अभी के टाइम इनके लिए बहुत सौगात वाली है। नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी हैं उनको इस्तेमाल करने की, चाहे वो गुफाएँ हों, ये गुफा आप देख सकते हैं किस तरीके की है, ऐसी गुफाओं के अंदर जो है घुसने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रहे कि इस गुफा के बाहर आर्मी भी है, पुलिस भी है, कब धरे जाओगे वो पता नहीं चलेगा, इसलिए हाथ खड़े कर दो, सरेंडर कर दो और आर्मी के सामने आ जाओ, अगर कोई भी हो, जो भी हो। तो आप दीजिए सुरेंद्र परिहार को इजाज़त, और आप देखते रहे TLR न्यूज़। जय हिंद।